पीछे आराम जो हमें गैंग कहते हैं वो मेरे मैं समझता हूँ सबसे बड़े डाकू हूँ, इसीलिए वो सबको गैंग की तरफ से देखते हैं। उन्होंने कब फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तानी नहीं कहा? कब आपके जम्मू में फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तानी नहीं भेजा? मगर जब हिंदुस्तान का नाम लेना था और हिंदुस्तान के बारे में बात करनी थी तो जनीवा में कौन था? फारूक अब्दुल्ला था, जो इस मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए बैठा था। यूनाइटेड नेशन में कौन था? वियना में कौन था? फारूक अब्दुल्ला। सर सर उनको नहीं देखता, इनको वो वाजपेयी की बात याद नहीं आती है जब वो जनीवा से वापस आए और किस तारीख, ये उनको याद नहीं आता। सर पीपल्स अलायंस ने ये फैसला किया है कि हम सब मिल के लड़ने वाले हैं, मगर एक सिंबल नहीं मिल सकता, इसलिए हम अपने अपने सिंबल पे लड़ेंगे और कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। वो सब जॉइंट कैंडिडेट्स होंगे, हम सब जमात होंगे। विधानसभा वगैरह कोई सवाल ही नहीं, अभी तो कोई उसका डेट नहीं है, मगर एक बात मैं आपके दिमाग से निकाल के देख के कैमरा देख के, ये जो आप लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम देश के दुश्मन हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं। हाँ हम बीजेपी के दुश्मन जरूर हैं, वो यहाँ हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा करना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को मानते हैं जहाँ सब बराबर हैं, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो कश्मीर का हो, आंध्रा का हो, तमिलनाडु का हो, या कहीं का भी हो, हम उस चीज़ को मानते हैं। कहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, उनने पहले ही 7,000 करोड़ रुपया जमा कर रखा है, वो मीडिया को खरीद रहे हैं, किसी को झांसा दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, करना रह रही है। मगर जैसे ट्रंप का हाल हुआ, इंशाल्लाह इनका भी वही हाल होगा जो ट्रंप। सर पाकिस्तान Thank you.